ओवर लैम्बर्ट। मैं देखना चाहता हूं कि ध्रुव के भानु में वो कौन सी खूबियां हैं। उसे शिकार किया है। उन्होंने अपने शिकार का पता लगाने के लिए कौन सी इंद्रियां विकसित की हैं और अपने शिकार को मार डालते हैं। मैं तो यही दुआ कर रहा हूं कि वो कहीं मुझ जैसे नेवी सील के पीछे ना पड़ जाए। यहाँ कुल मिलाकर करीब 2500 लोग रहते हैं, जबकि ध्रुवीय भालुओं की संख्या करीब 3000 है। ये शायद दुनिया की इकलौती जगह है जहाँ इंसानों की संख्या दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी जीव से भी कम है। मेरी टीम ने हमारे मिशन के लिए सामान लादना शुरू कर दिया है। ट्रूडे मॉस्ट्यू नॉर्वे की वेटरिनेरियन और बायोलॉजिस्ट हैं। हाँ जरा खींचिए, बस यहाँ तक। हेलो ट्रूडा। हाय, आप कैसे हैं? बहुत खुशी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हमारे मिशन की सबसे अहम खूबी है हमारा पॉड। ये मोबाइल फील्ड लैब खास तौर पर हमारे लिए बनाई गई है। ये इतना मजबूत है कि 2000 किलो तक का वजन सह सकता है और उसकी मदद से हम दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों का भी सामना कर सकते हैं। इस पॉड को ध्रुवीय भालुओं के लिए और भी मजबूत बनाया गया है। ये अच्छी बात है क्योंकि वो दुनिया के सबसे दमदार शिकारी होते हैं, इसलिए ये जरा सा भी कमजोर हुआ तो हमारा काम तमाम। वहां जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं वो सीलों के सांस लेने के लिए हैं, इसलिए इस इलाके में ध्रुवीय भालू मिल सकते हैं। आर्कटिक में हमें अपना पहला ध्रुवीय भालू दिख गया है, इसलिए इस जगह पर हम अपनी साइंस लैब यानी पॉड लगा सकते हैं। मगर पहले हमें उस भालू को और करीब से देखना पड़ेगा। फिलहाल तो यही लग रहा है कि एक ध्रुवीय भालू की तलाश में आर्कटिक की इस जमी हुई बर्फ पर जाने से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। वो शायद एक नर है, काफी बड़ा है। इतना बड़ा नर बेहद खतरनाक हो सकता है। वो करीब 500 किलो का हो सकता है। वो हमें घूर रहा है। मैं डर नहीं रही, लेकिन वो काफी करीब आ चुका है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो 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 चलो। ये ज्यादा से ज्यादा 14 इंच मोटी होगी। हाँ, करीब करीब। पॉड के लिए इतना काफी होगी। परेशानी ये है कि आप पॉड के अंदर होंगे और उससे बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं होगा, तो ऐसे में उसे यहाँ लगाना सही नहीं होगा। हमें 70 सेंटीमीटर मोटी बर्फ चाहिए। यहाँ सूरज की रोशनी हमेशा बनी रहती है क्योंकि यहाँ पृथ्वी का धुरा झुक जाता है। दिन भर रोशनी होने का एक फायदा भी है, अगर भालू आसपास आया तो हम उसे देख सकते हैं। वो बर्फ पर चलती जा रही है और बच्चे भी उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं। उसकी हरकतों से लग रहा है कि उसे किसी चीज की गंध मिल गई है। हाँ, शायद किसी सील की गंध मिली हो। देखिए जरा। क्या बात है। माँ अपने बच्चों को जल्द से जल्द उस जगह से दूर ले जाना चाहती है। ये भी एक कोवर्ट ऑपरेशन जैसा ही है, यानी अपना काम खत्म करने के बाद दुश्मन के आने से पहले उस जगह से भाग निकलना। हमने फैसला किया कि पॉड को डेक पर ही बना लेते हैं ताकि जैसे ही सही मौका मिले हम तैयार रहें। 32 एल्युमिनियम फ्रेम, 28 पॉलीकार्बोनेट पैनल, 22 स्टील जॉइंट और 1000 से ज्यादा नट बोल्ट और वॉशर।
हम ज्यादा दूर तक देख भी नहीं सकते क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। अगर वो इस तरफ आ जाता है तो हमें कुछ करने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो देखो भालू, 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 वहाँ, वो वहाँ पर बर्फ के उस टीले पर खड़ा हुआ है। शानदार। उस मादा भालू ने धूप सेक रही एक सील को देख लिया है और फौरन ध्रुवीय भालू के शिकार करने के आम तरीके से आगे बढ़ रही है। दबे पांव। ऐसा लग रहा है जैसे एक स्नाइपर मोर्चे पर जा रहा है। फिर वो उसकी ताक में पानी के अंदर चली गई। ध्रुवीय भालू पानी के नीचे भी करीब 3 मिनट तक तैर सकते हैं और बर्फ के नीचे चुपचाप अपने शिकार की ओर बढ़ सकते हैं। और फिर उसने आखिरी वक्त पर पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। कमाल का अनुभव था, बड़ा ही अनोखा। हमने उनका बड़ा ही अनोखा व्यवहार देखा। हम बड़े किस्मत वाले थे जो ये देख पाए कि अकेले रहने वाले खतरनाक शिकारी किस तरह से दुनिया की इस बेहद खतरनाक जगह पर रहने में कामयाब हुए हैं।